इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां पर स्कूल कमेटी के लोगों ने दोनों बड़े नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने निजी स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं रामगोपाल यादव से मीडिया ने पूछा कि कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की, तो उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वह एक झूठ भैया नेता है, उनके बारे में और कुछ में नहीं कहना चाहता। अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ ने कहा था, कौन है अखिलेश वखिलेश। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को एक भी सीट न दिए जाने को लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस से काफी नाराज थे। उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन प्रदेश स्तर पर हुआ है तो पहले बता देना चाहिए था कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर हुआ है। गठबंधन प्रदेश स्तर पर हुआ है तो याद रखिए कि आने वाले वक्त में कभी भी गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब इस मामले में मीडिया ने सवाल जवाब किया, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश वखिलेश कौन है, जिसको लेकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में अब फूट पड़ने लगी है। इटावा से अशरफ अंसारी की रिपोर्ट। पार्टी के लिए बोल रहे हैं, कमलनाथ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छोटे भाई ये नेता है। सर, जिस तरह के आईसीसी ने आज कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, तो वो कहीं ना कहीं गठबंधन के कोई कमजोर। अरे इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, अखिलेश कम कर चुके, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता।